राजधानी जयपुर में आरसी एंटरप्राइजेस कंपनी ने अपने कार्यालय को कोरोना संक्रमण मुक्त रखने के लिए 7 रोबोट्स वहां पर लगाए हैं। कंपनी ने कार्यालय में लगभग सभी जगहों पर मानवीय स्पर्श को रोकने का प्रयास यहां पर किया है। प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए एक रोबोट सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया, तो वहीं दूसरा आगंतुकों के शरीर का तापमान लेने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग करता है और यदि आगंतुक ने मास्क नहीं पहना तो मास्क पहनने के लिए बताता है। रोबोट को कंपनी के प्रवेश द्वार से जोड़ा गया है और साथ ही में प्रवेश द्वार तभी खुलेगा जब रोबोट सभी नियमों और प्रावधानों के अनुपालन से संतुष्ट होगा। तो वहीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब सभी कार्यालयों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को रोक दिया है, ऐसे में कंपनी ने चेहरे की पहचान के जरिए रोबोट को काम पर लगाया है। जी हां, मनुष्य रूपी रोबोट कंपनी के कर्मचारी को एक ट्रे के जरिए फाइल्स और अन्य दस्तावेज, चाय, नाश्ता भी पहुंचाने का कार्य करता है। इससे कार्यालय के कर्मचारियों को संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी। वहीं सभी के बीच में विशेष बात यह है कि रोबोट मेड इन इंडिया है। स्वयं आरसी एंटरप्राइजेस इन रोबोट्स को बनाती है। ये भारत की तीसरी कंपनी है जो कि रोबोट्स बनाती है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए व्यवस्थाएं बदलती जा रही है। आज जयपुर में बात करें तो जयपुर की आरसी एंटरप्राइजेस के अंदर सारे काम रोबोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही इनका मतलब है कि किस तरीके से कोरोना इन्फेक्शन से बचा जाए। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे रोबोट है, ये सारी तरीके से सर्विस जो भी होती है प्रोवाइड करवाते हैं। ये फाइलिंग का काम भी करते हैं और सर्विसिंग का काम भी करते हैं। जिस तरीके से रोबोट में देखा जा सकता है कि मॉनिटर लगा हुआ है, इसके अंदर से सारे ऑप्शन हैं। इसके साथ ही अन्य रोबोट भी यहाँ पे दिए हुए मौजूद हैं जो सैनिटाइज का काम भी करते हैं और अन्य काम भी करते हैं। आरसी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे देखें तो यह रोबोट है जो सैनिटाइज का काम करता है। इसके साथ एक अन्य रोबोट भी है जो दिख रहा है कि कैसे फर्श वॉल करता है। उसके साथ हमारे साथ में टेक्निकल हेड मयंक माथुर इस समय हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आइडिया उनके दिमाग में आया और किस तरीके से वो इसको फॉलो कर रहे हैं। मयंक जी, नमस्कार जी। यस सर, ये आइडिया किस तरीके से आपके आया तो और किस तरीके से आप इसको फॉलो कर रहे हैं? सर, जैसा कि हमें मालूम है अभी अपने आप कोरोना पूरे वर्ल्ड के अंदर जिससे इंक्रीज हो रहे हैं अब डे बाई डे केसेस, तो कैसे हम रोकथाम करें कोरोना से, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने कुछ इनोवेटिव पे फोकस किया। तो हमने रोबोट के लगा कि रोबोट एक बहुत बेस्ट वे हो सकता है फॉर सेफ ऑफिस फॉर सैनिटाइजर वर्क के लिए। अभी आप प्रेजेंट टाइम में इसको जयपुर में किस किस जगह और इंपोर्ट कर रहे हैं? सर, अभी हमारे पास जो कंटिन्यू इंक्वायरी आ रही है वो सारे मॉल से आ रही है, फ्रॉम हॉस्पिटल से आ रही है और जितने भी ऑफिसेज हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि हम कैसे अपने आप को सेफ रहें अभी के दौर के अंदर। तो इंक्वायरीज हमारे पास ऑफिस, मॉल्स, सारे जो भी अपने कमर्शियल प्लेसेस हैं वहाँ से हमें डेली इंक्वायरीज मिल रही है लास्ट 2 डेज़ के अंदर। सर सर, ये हमारे आरसी एंटरप्राइजेस के नाम से हम लोग ये काम पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरा मेक इन इंडिया के तहत, इसको मेक इन जयपुर के अंदर पूरा इसको हम लोग बना रहे हैं। पूरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमारा जयपुर सीतापुरा के अंदर है और इसकी हम 5 ईयर वारंटी भी हम इसको दे रहे हैं। और ये हम कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो भी कस्टमर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग इसको हम कस्टमर करके दे रहे हैं रोबोट्स को एज पर योर नीड। जैसा कि मयंक जी हमारे साथ में थे, मयंक जी ने बताया कि किस तरीके से ये रोबोट सारा काम कर लेते हैं और मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात है। इनके पास में बहुत सारा डिमांड की ऑफर भी आ रही है कि किस तरीके से आने वाले समय में मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट जो है रोबोट के अंदर काम करेगा। कैमरामैन विजयनाथ मिश्रा के साथ मनीष चतुर्वेदी, जयपुर।